नमस्कार, मैं आपका दोस्त अश्विन भार्गव। आप देख रहे हैं एसबी कोठा न्यूज़। कहते हैं ना, किसान आत्महत्या करता है। क्यों करता है? मजबूर हो जाता है। जब एक किसान कितनी मेहनत से फसल को तैयार करता है, जब फसल पक जाती है, जब उसकी फसल मंडी तक पहुंच जाती है, जहां उसको आसरा मिलता है कि शायद ये मंडी से मेरे को पैसे मिलेंगे जिसमें अपना घर परिवार चलाऊंगा, लेकिन जब यही फसल पानी में डूब जाए तो किसान क्या करे बेचारा। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। क्या करे, इतनी मेहनत से फसल को तैयार करता है। एक फसल को तैयार करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है शायद किसान ही जान सकता है और कोई नहीं। लेकिन जब उसकी फसल का जे हाल हो और जब उसकी फसल पकी हुई मंडी में पड़ी हुई हो, ऊपर से पानी में डूब जाए, तो किसान क्या करे। ये आप तस्वीरें खुद देखकर बताएं कि किसान क्या करे, कहाँ जाए। तो मंडी में चार दिन देखो क्या क्या लेंगे हम। इधर जल्दी आओ। केसीसी नहीं देंगे, फसल कैसे लगाएंगे? अगली भी फसल लगाना है तो ये जो पिछले वाला नहीं देना होगा तो अगले वाला देगा पैसा? बैंक वाला नहीं देंगे पैसे, कहाँ लेंगे? लिमिट भी है, केसीसी भी है, दोनों चीज़ें। बैंक वाले तो रोज तीसरे दिन आ जाते हैं, तंग करते हैं हमारे किसान ही। तो फिर जिम्मेदारी आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा जिम्मेदारी? यही आत्महत्या करेगा और क्या है? जिसका देना है कोई बाई का पैसा देना है, कोई किसी का लिया अपने सज्जन मित्र से, कैसा देना पैसा वापस? फिर आत्महत्या करेगा? सुसाइड तो करना ही है जिम्मेदार, और क्या करेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरवण कुमार, हरिपुर रहने वाला हूँ। तो एक छोटा किसान हूँ,
तो हैंडीकैप भी हूँ, बड़ी मेहनत करती है, इतनी मेहनत से दाना कमा कर निकाल कर इधर लगाया, ठीक है। चार दिन हो गया तो चार दिन किसी के हमारे कोई बात नहीं सुनी, चार दिन है देखो दाना बीच, चार दिन हो गया, कोई कोई एफसी वाला नहीं आया, कोई एग्रीकल्चर वाला नहीं आया, ना ही इन्हें वो तोड़ा हमारा भरा। डेढ़ डेढ़ फुट पानी है देख लो नीचे, डेढ़ डेढ़ फुट में जितना भी छः महीने का दाना हमने कमाया सारा इधर फिनिश हो गया, ठीक है। देखो हमारी हालत भी देख लो, हम तीन लड़कियाँ मेरियाँ और एक लड़का है, ठीक है। तो देखो उनकी ये निर्बल ही हैं, इस दाने पर ही निर्बल हैं, ये दाना हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ सारा जितना भी जिमींदार बहुत हैं इधर का जा रहे हैं, यार के हिसाब से यहाँ जिमींदार जी आएगा, एक ही मंडी है कुंदजा का, तो ये इसने भी थोड़ा सोच कर इधर खोलना चाहिए था, ठीक है। हमारा जहाँ भी हमारे को जब गवर्नमेंट ने खोला मंडी, वहाँ ही हम दाना फेंकेंगे, ठीक है। इधर दाना देख लो, इन्हें देख कर खोलना चाहिए था, इनका एग्रीकल्चर वाला भी कसूर है, एग्रीकल्चर वाले ने भी देख कर इधर इनको परमिशन देना चाहिए था, इनका कोई कसूर नहीं है, हम इनका थोड़ा कसूर लगा रहे हैं जिनने खोली है, ठीक है। नहीं इनका कोई कसूर नहीं है जिनने खोली है, एग्रीकल्चर वाले ने, गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, लोकेशन देखना चाहिए कहाँ खोलना है, ठीक है। उन्होंने इधर खड्डे में खोल दिया होगा, तो हमने तो खड्डे में दाना फेंकना था, हमने अपने घर थोड़ा रखना है, हमने मंडी में फेंका, चार दिन हो गया फेंके। आपका कितना दाना था? मेरा दाना कम से कम 100 क्विंटल होगा, हाँ। अब तो छोटा जिम्मेदार हूँ, लेकिन फिर भी चाहते हैं हम, गवर्नमेंट ने हमारा जो जितना दाना फिनिश हुआ हमारा दाना उठाना चाहिए, हमारे को पूरा पैसा मिलना चाहिए, हमारा कोई कट नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं, हमारा ना किलो के हिसाब से हमारा को पैसा मिलना चाहिए। हाँ जी देखो एक बार होता है सर, हमने लिमिट भी बनवाई है, केसीसी भी बनाई है, इसी दाने पर उसको वापस से देना है। कहाँ से देंगे? पिछली एक हफ्ते के बाद मैनेजर हमारे घर आ जाता है, ये आपकी केसीसी है, ये भी 6 महीने के बाद इसको न्यू कराओ या मतलब पैसा जमा करवाओ। जो लिमिट बनवाई है हमने ज़मीन के ऊपर, लिमिट भी बनवाई है, केसीसी भी बनवाई है, दोनों चीज़ चल रही है हरी चक में। तब तीसरे दिन चौथे दिन आ जाते हैं मैनेजर हमारे, तो हम कहाँ देंगे सर, ये हमारा दाना इधर हो गया, तो हम गवर्नमेंट ने किसी हमारे बारे में सोचना चाहिए, जहाँ लिमिट जहाँ केसीसी कुछ तो कुछ माफ़ करना चाहिए हमारे को, ये जिम्मेदार का देखो हमारी हालत, कैसा पैसा वापस देंगे मैनेजर को। मैं सुरेंद्र बाल वर्मा निवासी सुल्तानपुर, मैं गरीब किसान हूँ। हमने इधर मंडी खोली थी गवर्नमेंट ने, FCI वाले एक बार आए, 8 दिन हुआ मंडी खोले हुए, हमने दान जहाँ पर कोई सैकड़ों किसान हैं जिनका दान जहाँ पर आया है और आता भी है और भी आएगा। तो रात को बारिश पड़ी थी, जितना भी दान है बीच में देख लो सब का सब बर्बाद हो गया है, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, हम हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे, कैसे तालीम हासिल करें, उनके पास एक पैसा नहीं है, मेरे पास एक पैसा नहीं है, कहाँ से पैसे लेंगे, 6 महीने की कमाई सारी पानी में बह गई बारिश की वजह से। तो इन्होंने अगर मैंने सही जगह मंडी खोली होती तो हम आज इतनी हमको दिक्कत नहीं आती, क्या खाएंगे हम, ये पेट खाली है, ये कहाँ से भरेंगे हम। अनपढ़ बन रही है फिर मेरा नाम कृष्ण कुमार सियाणी जी। चार दिन हो गया सुटे जी। कोई पूछता नहीं, कोई आया नहीं, अगली घर नहीं आया, कोई सैलर वाला नहीं आया, कोई नहीं आया। सरकार कहती है सरकारी मंडी को सुविधा मिल रही है, इधर देख लो सुविधा जे मिल रही है, पानी जी हमारे इधर मंडी में लगाया है, पानी की सुविधा मिल रही है, दाना हमारा सड़ गया पानी में जिधर लगाया है, हम क्या करेंगे, पैसा कहाँ मिलेगा, दाना ही सड़ गया है, हम सर्विस में तो है नहीं कोई, यह जिम्मे किसान है जी, मिट्टी पूरते हैं नहीं कटे देने, जिन्हें मंडी खोली है सू लगा कोई नहीं कटा सवेरे का पानी हमने कटा है। क्या चाहते हैं? हमारा दाना है जो सभी दाना है जी, ये हमारा बिक जाना चाहता है, हमको पैसा मिल जाए तो हम अपना टब्बर पालेंगे।